स्कूटर बचपन में ऐसे ही लटकते थे भाई, बचपन में तो कोई बाइक उतना था नहीं हम लोगों के पास ऐसे ही, तो मतलब पीछे लटक मटक के जाते थे। बहुत पिटाते भी थे गाइस घर में, तो कोई देख लिया बोल दिया तो पिटाते भी थे, बट लटकने का मजा भी कुछ अलग ही आता था गाइस। भाई ये देखो ये भी दिया यूज किया हुआ ही सामान, मतलब जब वाईफाई लगवाओ ना तो भाई मशीन तुम खुद से खरीदो कहीं से भी, सिर्फ कनेक्शन उससे लो। हम तो भाई कनेक्शन प्लस मशीन दोनों लिए थे, पछता रहे अभी लेके। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज आज अपन लोग यार काफी ज्यादा सैड फीलिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि यार मैं काफी एक डेढ़ महीने से सफर कर रहा हूँ गाइज, दो महीने से वाईफाई अपना काफी ज्यादा स्लो हो रहा है गाइज, काफी ज्यादा स्लो है। मतलब MBPS पहले चल रही थी, 5-6 MBPS में अपना वीडियो पोस्ट होती थी, बट अभी गाइज सिर्फ KB में चलता है गाइज। टोटल मान लो ना 50 KBPS, 100 KBPS इतना में डाउनलोड होता है, वीडियो अपलोड होता है। तो गाइज समझ सकते हो यार, 4GB, 5GB का वीडियो, 8GB का वीडियो KB में चलेगा तो सोचो यार कितना घंटा में पोस्ट होगी। तो इसी कारण से अपन लोग 4K में वीडियो नहीं बना रहे हैं, सिर्फ फुल HD में बनाते हैं, वो भी होता है 1GB के आसपास का, और उसको पोस्ट करने में गाइज टोटल 8 घंटा या फिर 9 घंटा, ऐसे लगता है 7 घंटा। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं गाइज। तो अपन लोग सोच रहे हैं यार इसको चेंज करवाए, वाइट वाला बॉक्स को दिखवाए, तो उन्होंने बोला यार इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आप शॉप पे लेके आना। तो मैंने बोला ठीक है, काफ़ी दिन अभी 10 दिन हो गए, 10 दिन पहले ही बोले थे, तो आज सोच रहे यार आज अपन लोग वो वाली वाइट वाली बॉक्स लेके जाए और फिर चेंज करवाए। बट चेंज करवाने से पहले गाइज मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ गाइज वीडियो पोस्ट करने में कितना KBPS का स्पीड देता है, प्लस उसका इंटरनेट जो स्पीड टेस्ट भाई ओकला होता है ना, उससे भी टेस्ट करके आपको दिखाते गाइज कितना MBPS का स्पीड दे रहा है। मेरा टोटल गाइज 60 MBPS का लिया हुआ है, प्लस डबल बैंड है, तो उससे अपने को 20 या फिर 30 MBPS एक्स्ट्रा स्पीड मिलता है, तो टोटल 80-90 MBPS का स्पीड में चलता है। बट अभी फिलहाल गाइज 3-4-5 MBPS शो करता है, मतलब 90 MBPS स्टार्टिंग में चलता था, और पोस्टिंग करने टाइम आता था कितना देता था गाइज, तो 5-6 MBPS। तो सोचो 90 का लिया मैंने, 5 MBPS स्पीड दे रहा, और अभी फिलहाल अभी जब देख रहे ना टेस्ट कर रहे ना, तो 6 MBPS 5 MBPS शो कर रहा है, लेकिन पोस्टिंग होता है तो KB में चला जाता है, तो सोचो कितना स्लो है। तो चलो मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ, फिर दिखाने के बाद डायरेक्ट अपन को व्हाइट वाली बैंड खोलेंगे और फिर चले जाएंगे गाइस शॉप में चेंज करवाने के लिए। सो गाइस ये देखो वीडियो पोस्ट पे आ चुके, यहाँ तक बहुत टाइम लगी गाइस, काफ़ी टाइम लगी, अपने को चैनल चेंज करना पड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो ये अपन लोग डेटा से यूज करके अपन लोग चैनल चेंज किए हैं, क्योंकि वाईफाई से उतना हो ही नहीं रहा था। तो सोच लो यार कितना ज़्यादा स्लो वाईफाई चल रहा है, कितना ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो पोस्ट करके। लेट सपोज सेलेक्ट फाइल पे गए और फिर अपन लोग मीडिया पे जाने के बाद ये देखो मैं इतना सारा शॉर्ट्स बना के रखा हूँ, तो मैं एक शॉर्ट से आप लोगों को पोस्ट करके दिखाता हूँ गाइस। ये देखो यहाँ पे मैंने वीडियो पोस्ट कर दी और स्पीड देखो गाइस, अभी पोस्टिंग पे लगा है, स्पीड देखो ऊपर कितना KBPS, और नीचे की साइड देखो एक शॉर्ट्स पोस्ट होने में ना इतना ज़्यादा स्लो नहीं होता है गाइस। आप लोग देखो यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये देख लो नीचे के साइड कितना परसेंट, 0% अभी तक अपलोडिंग है, मतलब अपलोडिंग पे दिया हुआ। ऊपर देखो वाईफाई का स्पीड, महीने का 600-700 रुपया पे करता हूँ फिर ऐसा मिलता है, तो बिल्कुल वाईफाई के एकदम पास में हूँ, बिल्कुल बाजू में हूँ। पहले जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था ना वाईफाई, उस टाइम का स्पीड थी गाइज काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी, काफ़ी ज़्यादा भी स्पीड देखो गाइज, ऊपर 247 दिखा रहा था, अभी 55 KBPS दिखा रहा है। स्टार्टिंग में 80-95 MBPS ऐसे दे रहा था, क्योंकि मैं डबल बैंड वाला यूज करता हूँ, तो उसमें भाई 20-30 MBPS ऐसे भी अप्रोक्स बढ़ जाती है, तो 60 मैंने ले रखा है, 90 तक जाती थी। बट अभी का देखो मैं गो पे क्लिक करता हूँ और अभी देखना स्पीड 5-6 ऐसे, मतलब देख रहा हूँ 4-5-5 बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देखते हैं फाइनल कितना देता है ना स्पीड, वही डिपेंड करता है गाइज। और अभी देखो ना भाई कितना KBPS पहुंचा चुका है, 835 भाई, इतना में होता ना तो इतना भी मतलब पोस्ट हो जाती है अच्छा खासा टाइम में। और टोटल स्पीड देखो गाइज, टोटल ये डाउनलोड का स्पीड है गाइज, डाउनलोड अपन लोग इतना का स्पीड से, लेकिन इतना शो कर रहा है ना 6.35, मतलब अपने को मैक्सिमम 100 या फिर 200 KBPS का स्पीड से डाउनलोड होता है, क्योंकि भाई मतलब 80-70 MBPS का स्पीड दिखाता है ना, तो उसमें 2 MBPS 4 MBPS का स्पीड से डाउनलोड होता है, तो खुद ही सोच लो यार कैसा मतलब नेट चल रहा है अभी अपना। सो फाइनली भाई अभी अपन लोग घर से निकल चुके हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है और अभी सुबह का टाइम है, लाइक 7-8 बज रहा है मेरे ख्याल से, और फिर अपन लोग जा रहे हैं वाईफाई लेके, लाइक ये देख सकते हो
वाइट वाला, और फिर इसको ले जा रहे हैं अभी अपन लोग शॉप पे, और फिर वहाँ से चेंज होगा क्योंकि इसमें एक क्या बोलते हैं ना, एक उजला सा मशीन होता है वो वाली, मैंने आपको दिखा दिया था, और फिर एक और वो स्विच थे फ्लैक्चुएट, उसके कारण बिजली होती है गाइस, उसको भी लेके जाना है, दोनों को चेंज करना है क्योंकि अभी साल पूरा नहीं है तो वारंटी में, अंडर गारंटी बोल सकते हैं। तो गाइस 1GE XPON ONU ये है, क्या चीज का है भाई, सिक्योर पता नहीं। और फिर ये देखो 1G वही है सारा कुछ, तो इसका इसमें एक स्विच है और ये वाली मशीन है देख सकते हो, तो इसी को चेंज करवानी है भाई। न्यू जब से स्टार्ट में आई थी ना वाईफाई, तब से ही बिजली का फ्लैक्चुएट होती थी ना, वो वाली प्रॉब्लम थी, बट मैं सोचा था कि मतलब ऐसे ही हो जाता होगा, लाइट वाइट कटता है ना तो इन्वर्टर में ट्रांसफ़र होता है तो तुरंत से हो जाना चाहिए ना, लेकिन जब लाइट कटती थी ना तो भाई 1 या 2 या 3 मिनट लेता था इन्वर्टर से उसमें लाइन में लेने में, मतलब मेन इंटरनेट फुल नेट देने के लिए। भाई देखो आज फिर एक नया रास्ता से, और फिर ये देखो दोनों बच्चे को कहीं मस्त वाला प्यार सा गुल्ली डंडा, उधर देखो गुल्ली डंडा हो रहा है भाई, उधर गुल्ली डंडा हो रहा था, और फिर इधर देखो एकदम न्यू एरिया गाइज, मैं बहुत छोटा में आया था इसको याद है, करीब मैंने 3-4 साल पहले, 3-4 साल के थे ना उस टाइम आए थे इधर फर्स्ट टाइम, ये वाली तो रोड भी नहीं था, न्यू वाला रोड भी बना है मे भी। इधर देखो गाइज पहाड़ का सीन भाई, क्या ही मस्त लग रहा है ना पहाड़ वाला। और फिर ये क्या जगह खेत है भाई, मूली का है ना, ये देखो मूली का खेत एकदम बिल्कुल आलू की तरह होता है गाइज मूली भी, क्योंकि मूली एकदम अंदर जाता है ना लंबा सा, तो इसी कारण एकदम आलू की तरह ही होता है। देखो ज़्यादातर मूली इधर ही है, इधर देखो मूली का खेत, वो मूली हो चुका है तैयार, और फिर उधर मूली का खेत। ये ट्रैक्टर बचपन में ऐसे ही लटक देते भाई, बचपन में तो कोई बाइक वाइक उतना था नहीं अपन लोगों के पास, ऐसे ही तो मतलब पीछे लटक मटक के जाते थे, बहुत पिटाते भी थे गाइज घर में, तो कोई देख लिया बोल लिया तो पिटाते भी थे, बट लटकने का मज़ा भी कुछ अलग ही आता था गाइज भाई। R15 क्या बात है, बजरंग दुर्गा माता, जय दुर्गा माता। सुबह का शुरुआत गाइज कोई भगवान से हो जाए, दुर्गा माता से हो जाए, माँ बाप को देख के हो जाए तो दिन काफ़ी अच्छा जाता है। तो दुर्गा माता भी दिख गए मेरे को, आशीर्वाद मिल गया भाई, तो मेरे को लगता है ये वीडियो वायरल हो जाएगा अब भाई। ये देखो ये भी दिया यूज किया हुआ ही सामान, मतलब जब वाईफाई लगवाओ ना तो भाई मशीन तुम खुद से खरीदो कहीं से भी, सिर्फ कनेक्शन उससे लो, हम तो भाई कनेक्शन प्लस मशीन दोनों लिए थे, पछता रहे अभी लेके क्योंकि सामान एकदम चीप होता है गाइस, और फिर ये थोड़ा शहर में लगता है ना तो ये थोड़ा सही सामान है, बट ये भी यूज सामान है, प्लस एक प्लग है वो भी यूज किया हुआ ही मेरे को चेंज करके दिया, तो अब क्या कर सकते हैं भाई, अब हो गया सो हो गया ना, तो अभी बस इसको लेके चलते हैं। और फिर इधर देखो गणेश पूजा आने वाला है, तो सारा गणेश जी का मूर्ति। सो फाइनली गाइज हम लोग आ गए हैं अभी दुकान से, और फिर अपन लोग वाईफाई वाला वो मशीन ले लिए, आप लोगों को दिखाएगा जो पुराना वाला ही अपने को मशीन दिया, बट अभी फिलहाल लाए हैं, और फिर अपन लोग सोच रहे अभी उसमें सेट करके, और फिर देखिए अब नेट कैसा स्पीड चलता है। बट गाइज अभी एक प्रॉब्लम है कि पैक अपना ख़त्म हो चुका है, तो पहले अपन लोग कॉल करके रिचार्ज करवाएंगे, 1 महीने का सिर्फ प्लान लेंगे गाइज, क्योंकि मेरे को कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है अभी कि भाई प्लान लेना भी सही है, फिर उतना सही नहीं, अगर सही चला नेट तो कंटिन्यू करेंगे, वरना अपन लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे गाइज ये वाईफाई, क्योंकि बहुत ही स्लो चलता है, कभी कभी इतना स्लो चलता बता ही नहीं सकते। तो चलो अभी फ़िलहाल सेटअप करते हैं और फिर कॉल करके रिचार्ज करवाते हैं, और फिर देखते हैं गाइज अपना स्पीड में इंक्रीजमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सोच रहे वीडियो को यहाँ पे एंड करें गाइज, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइज।